हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। आज अभी जो ये वीडियो है आज की, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसा आपको पेपर आने वाला है कुछ उसी तरीके से, बस डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन नंबर के साथ आपको ये आप समझ लोगे तो आपके बहुत काम आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 80 मार्क का पेपर होगा हिंदी का, 80 मार्क्स थे उसको, और पेपर देखेंगे हम। सबसे पहले विभाग एक जो हमारा है शुरू होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ पेपर डिस्कस किया था, तो वो गद्य होता है 20 अंकों के लिए, 6 मार्क्स है, तो कुछ इस तरीके से पैसेज होगा आपको। फिर आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे, पैसेज के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई चार करना है 2 अंकों के लिए, उसके बाद शब्द युग्म है 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, तो ये 6 मार्क्स का था। अब दूसरा आपका होगा प्रश्न 1 आ, सेम पैसेज है गद्य विभाग का, 6 अंकों के लिए, ऐसा आपका पैसेज होगा। उसके बाद आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 2, 1-1 अंकों के लिए 2 प्रश्न, उसके बाद 2 जो है आपका वो ग्रामर लैंग्वेज स्टडी जैसा है, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस भी है, वो भी आप देखो चाहिए तो। उसके बाद आपका 2 अंकों के लिए अभिव्यक्ति है, 6 मार्क का ये हो गया। अब आपके इसका आपके बाद जो होगा वो होगा 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 6 अंकों के लिए 3 में से कोई 2, तो ऐसा आपको उत्तर पूछा जाएगा, ब्रीफ जो आपको पूछा जाने वाला है। देख सकते हो दोनों सेप्टेम्बर 21 में पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद आपका जो प्रश्न 1 ई होगा, ये आपका होगा साहित्य संबंधी ज्ञान पर, 2 अंकों के लिए कोई 4 दिया है, इन चारों प्रश्नों में से कोई 2 आपको करना है, तो यहाँ पर आपका गद्य विभाग खत्म होता है, समाप्त होता है। उसके बाद आपका विभाग 2 जो शुरू होता है वो है आपका पद्य विभाग, पद्य जो है 20 अंकों के लिए पोएम का, प्रश्न 2 आ, 6 अंकों के लिए पहले पोएम, इसके बाद आपका उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए, समानार्थी 2, उसके बाद आपका अभिव्यक्ति, अब जो पूछा है उक्ति या जो भी विचार आपको अपने बताने हैं 40 से 50 शब्दों में 2 अंकों के लिए। इसके बाद आपका एक और प्रश्न 2 आ जो होगा वो आपका 6 मार्क के लिए पद्यांश ही होगा, पोएम का पैसेज होगा, ऐसा पोएम दिया रहेगा, उसके बाद आपको ये सब सॉल्व करना है, 4 है 2 अंकों के लिए। उसके बाद इन शब्दों के अर्थ लिखो 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति खुद से जो बोला है 40 से 50 शब्दों में लिखो, ये प्रश्न पढ़ो, आपको जो समझ में आ रहा है आपने पढ़ के जो गए उसके ऊपर। उसके बाद आपका प्रश्न 2 ई जो होगा वो होगा रसास्वादन कविता का, जो आपके पूरे 6 अंकों के लिए, 6 मार्क्स के लिए, कुछ ये पॉइंट्स आपको दिए होंगे, रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने का कारण, कविता का केंद्र कल्पना, तो सब कुछ आपको लिखना है डिटेल पोएम के बारे में 6 अंकों के लिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके ऑप्शन में अथवा में एक और आपको दिया है रसास्वादन, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान में रखते हुए आपको इसका रसास्वादन करना है। उसके बाद प्रश्न 2 ई जो है वो है साहित्य संबंधी ज्ञान पर, 2 अंकों के लिए, 4 में से कोई 2 आपको करना है। अब आपका विभाग 3 जो है विशेष अध्ययन, जो 10 अंकों के लिए, जो आपका कनुप्रिया जो आपको लेसन है और कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसका यहाँ पर आता है, सॉल्व करना है। सबसे पहले पैसेज 6 अंकों के लिए, उसके बाद 2 मार्क्स के लिए उत्तर लिखिए, शब्द समूह 1 शब्द ढूंढ कर लिखिए, अभिव्यक्ति सोच समझ कर, वृक्ष की उपयोगिता के ऊपर आपको लिखना है 40 से 50 शब्दों में। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आ जो है 1 का उत्तर लिखना आपको 2 में से 4 अंकों के लिए, कोई 2 में से आपको 1 लिखना है। उसके बाद आपका विभाग 3 यहाँ पर ख़त्म होता है 10 अंकों के लिए जो था। अब आपका विभाग 4 शुरू होता है जो है व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, जो आपको 20 अंकों के लिए होता है। इसके अंदर प्रश्न नंबर 4 अ जो है वो है उत्तर लिखो 100 से 120 शब्दों में, 6 मार्क के लिए है, तो आपको लिखना है ये। अगर आपको ये नहीं करना तो इसके अथवा में, इसके ऑप्शन में आपको एक पैसेज दिया है, गद्यांश दिया हुआ है,
तो आप ये गद्यांश पढ़कर नीचे जो बोला है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रत्यय चाट कर लिखो, उसके बाद अभिव्यक्ति है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जो है वो है किसी एक का उत्तर ऐसे से 100 शब्दों में लिखो, 2 में से कोई एक करना है 4 अंकों के लिए। उसके ऑप्शन में जो आपका है वो है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अगर आप ये नहीं करते हो, मान लो आपको नहीं आ रहा, तो आपको अच्छी बात है कि इसके ऑप्शन में ये है, बट आपको ये याद करके जाना है ताकि आपके जो 4 अंक है वो आपको 4ों सही मिल सके। इसके बाद आपका 4E जो है वो 6 अंकों के लिए पैसेज है, जिसके अंदर आपको पैसेज पढ़ के इसको सॉल्व करना है। उसके बाद समानार्थी शब्द है, सौर मंडल के विषय पर अपने विचार लिखने 40 से 50 शब्दों में। उसके बाद आपका जो है पारिभाषिक शब्द है, इंग्लिश में आपको वर्ड्स दिए होते हैं कोई 8 शब्द हैं, इनका हिंदी में जो मतलब यानी इनको हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे कस्टर्ड इनको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको वो लिखना है। 8 में से आपको 4 लिखना है 4 अंकों के लिए। उसके बाद आपका विभाग 5 जो है वो है व्याकरण, 10 अंकों के लिए, जो ग्रामर, जिसमें से हमारा वीडियो जो रस और अलंकार और सारा वीडियोज और भी अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं समझा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ग्रामर आपको पूछा होगा, पहले काल परिवर्तन 4 में से 2 अंकों के लिए, उसके बाद अलंकार 4 में से 2 अंकों के लिए, फिर आपका रस पहचानना है 4 में से 2 अंकों के लिए, फिर आपका मुहावरे अर्थ भी लिखना है वाक्य में लिखना है 4 में से 2 अंकों के लिए, और फिर उसके बाद वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, वाक्यों में कुछ मिस्टेक्स या गलती है तो सही करके 4 में से 2 अंकों के लिए। तो इस प्रकार हमारा 80 मार्क का पेपर हमने डिस्कस किया जो आपको एग्ज़ाम में। एक और ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पैसेज के अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो अभिव्यक्ति यानी पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं, जो आपको खुद से अपने शब्दों में लिखना है, जो आपको पैसेज में भी नहीं मिलेगा ना आपका टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, बट ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ के खुद से लिखना है अपने विचार से। तो ऐसा आपको हर पैसेज के पीछे आप देख सकते हो मिलेगा। उसके अलावा जो आपके ब्रीफ आंसर्स हैं, लघु उत्तरी क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर, वो आपको जो टेक्स्ट बुक के लेसन दी ना, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर निराला जी का आते थे भाव, निराला भाई जो लेसन है पाठ है महादेवी वर्मा जिसकी लेखिका है, तो इन्होंने इनका आतिथ्य भाव यानी मेहमान के लिए खातिरदारी वो कैसे करते थे, आतिथ्य भाव क्या था वो आपको बताना है। तो अगर आपको ये याद होगा या समझा हुआ होगा पढ़े हो तो ही आप लिख पाओगे। तो ये आपको पढ़ के ही जाना है प्रश्न नंबर 1E। उसके अलावा आपको साहित्य संबंधी भी पढ़कर ही जाना होगा। अगर आपको लेखक का नाम याद है, कवि का नाम याद है, कविता या लेसन पाठ के बारे में याद है तो ही आप इसको लिख पाओगे। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपको कितना ज़्यादा रीड करके और पढ़ के जाना है ये सारी चीज़ें। उसके अलावा पोएम में भी देख सकते हो कि आपको अभिव्यक्ति जो पर्सनल रिस्पॉन्स है खुद से लिखने वाला है, तो वो ध्यान रखना है कि आपको लिखना है, या आप खुद से लिखोगे और आपको मार्क्स मिलेंगे तो इसको ज़रा भी छोड़ना मत, एम्प्टी आंसर मत छोड़ना, कुछ ना कुछ रिलेटेड जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख कर ही आना। उसके अलावा साहित्य संबंधी कविता में से भी जो जैसे वृंद जी के प्रमुख रचनाओं के नाम, तो वृंद जी की और कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, कविता वगैरह, आपको उसके बारे में से और भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे दिया और भी आपके टेक्स्ट बुक में वो सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी है, मतलब हर पैसेज के पीछे आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर। जो अभिव्यक्ति है 2 मार्क्स के लिए वो आपको अपने विचार में लिखने, और जो ब्रीफ आंसर है वो आपको टेक्स्टुअल जो लेसन के हैं वो पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पेपर जो कैसे आने वाला है, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, पेपर इसी प्रकार से आएगा। तो आपको अगर और जानकारी चाहिए वीडियो के बारे में, और वीडियो चाहिए, कुछ फोटोज़ या कुछ भी डाउट है हिंदी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करें। उसके अलावा चैनल पे जो लिंक दिए उसमें जाकर आप ग्रुप जो है, टेलीग्राम का चैनल है हमारा और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको और भी अधिक जानकारी के बारे में पता चल जाए। उसके अलावा
चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।